Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. और I hope आप सब ठीक होंगे. हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं. और आज मैं आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ, और वो है स्क्विड गेम्स वाला जो कैफ़े है जिसको बोलते हैं चिमनी बिस्ट्रो, और ये है रियाद में लोकेटेड. और हम लोगों का काफ़ी अरसे से प्लान था यहाँ पर जाने का. पहले तो यहाँ पर मनी हाइस्ट की थीम पर सारा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन आजकल यहाँ पर चल रही है स्क्विड गेम्स. और जैसा कि आपको कैफ़े के इंटीरियर से अंदाज़ा हो गया होगा कि अंदर इन्होंने बिल्कुल स्क्विड गेम्स के जो प्रॉप्स थे वो रखे हुए थे, और स्क्रीन पर भी स्क्विड गेम्स के वो चल रहे थे ट्रेलर्स, और साथ में उन्होंने म्यूज़िक भी उसी का ही प्ले किया हुआ था, और बहुत ही मज़े का एम्बियंस लग रहा था. और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे. उन लोगों ने हमसे एंट्रेंस पे पूछा था कि आपने प्री बुक करवाया हुआ है, लेकिन हम लोग तो नहीं करवा के गए थे, तो इतना इशू नहीं हुआ, हमें वेट नहीं करना पड़ा. हम उसी टाइम ही हमें टेबल पे जो है वो जगह मिल गई थी, और अंदर काफ़ी सारे लोग थे और बड़ा मज़े का माहौल बना हुआ था. और मेन्यू इनका इतना मुझे अपीलिंग नहीं लगा. अगर आपने मतलब एज इन आपने अगर खाना खाने जाना है तो उस लिहाज से इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर आप कॉफ़ी या ड्रिंक्स या इस तरह की कोई स्नैक्स वगैरह अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर सही है. हम लोगों ने खाना तो ऑलरेडी खा लिया था, हमारा कॉफ़ी का ही मूड था, तो हमने वहाँ पर कॉफ़ी ले ली और एक हमने पास्ता ऑर्डर कर लिया था. तो यहाँ पर इनका 9:30 पे जो है वो स्क्विड गेम्स का जो सारा शो है वो स्टार्ट होता है, तो अगर आपने जाना हो तो मेक श्योर आप 9:30 पे जाएं, और एक दफ़ा उनसे आप बिफोर हैंड आप उनको कॉल करके पूछ भी लें, क्योंकि जैसे एक दिन फुटबॉल मैच था उस दिन इनका ये कोई इवेंट नहीं हुआ था, उस दिन सिर्फ ये फुटबॉल मैच ही डिस्प्ले किया हुआ था उन्होंने. तो यहाँ पर हमने पास्ता ऑर्डर किया था, तो पास्ता तो काफ़ी अच्छा था, अल्फ्रेडो पास्ता हमने ऑर्डर किया था. उसके बाद हम भी 9 o'clock हम पहुँचे थे यहाँ पर. फिर 9:30 पे इनके वेटर्स जो थे वो ही अपने ड्रेसेस चेंज करके और स्क्विड गेम्स के जो करेक्टर्स हैं वो बनकर आए थे. और ये साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी. Oh!
यहाँ पर हो गए डांसेस भी और सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पर ये आपके पास आएंगे और आपको देंगे डेलगोना कैंडी, और डेलगोना कैंडी हर टेबल पर वो एक सर्व करते हैं, और उसमें आपको जो भी शेप नज़र आएगी अंदर आपने उसको ये शेप को अच्छी तरह से कट कर लेना है। तो जिसकी सही हो जाएगी और पहले जो 3 विनर्स होंगे उनको 20% ऑफ देंगे वो, और लकीली हमारी बिल्कुल सही हो गई थी और हम लोगों को मिला था 20% ऑफ हमारे टोटल बिल में। और यहाँ पर ये 1 मिनट का टाइमर ऑन कर देते हैं आपको देखकर, और आपने 1 मिनट के अंदर उसको आपने करना होता है, ये नीडल के साथ आपने उसको कट करना है। तो इमरान ने तो बहुत अच्छा किया और हम लोगों को ऑफ भी मिल गया, और ये साथ ही इनके जो गन्स पकड़ के जो इधर उधर घूम रहे थे बंदे, वो देख रहे थे कि कौन सही कट कर रहा है। तो जब इमरान कर रहे थे तो मुझे थोड़ा डाउट भी हुआ कि शायद हमारा सही नहीं हुआ, लेकिन उसने चेक किया और वो थम्स अप करके चला गया, तो मैं खुद सरप्राइज हो गई। मैंने इमरान से पूछा कि आपने बिल्कुल सही कर लिया, वो कहते हाँ, और फिर हम लोगों को 20% ऑफ मिल गया और लकी वन थे हम, और हम लोगों का हो गया, वरना मोस्टली किसी का भी वहाँ पर नहीं हुआ था, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होता है इसको, इस शेप को बिल्कुल, और हमारी जो शेप थी वो भी स्टार शेप थी, और स्टार शेप को वैसे ही मुश्किल होता है और वो थोड़ी नाजुक सी होती है। तो बहुत ही फन था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इमरान जो है वो विनर हो गए, उन्होंने स्टार शेप को कट कर लिया, और ये अभी हमें थम्स अप करके जाएगा, और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हम लोगों का हो गया। तो बस ये था कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर, और एक अलग ही एम्बियंस बना हुआ था, क्योंकि ये स्क्विड गेम्स का फीवर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मोस्टली वॉच सीज़न बना हुआ है आजकल नेटफ्लिक्स पर, तो इस वजह से मेरा ख्याल है लोग आए हुए भी काफ़ी ज़्यादा इस वजह से थे। तो अब आगे जाके आप देखेंगे कि इनकी सेलिब्रेशंस भी हुई थी, फिर हमने इनके साथ पिक्चर्स वगैरह भी ली थी, तो आप आगे जाके देखिएगा कि इनकी कितनी मज़े की उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशंस की थी। तो मैंने आप लोगों के लिए ये वाले क्लिप्स भी ऐड किए हैं इसमें, और हम लोग तो सिर्फ कॉफ़ी के लिए गए थे, लेकिन बाकी मैंने क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए जिनकी बर्थडे सेलिब्रेट है, उन्होंने भी थोड़ा बहुत उसको कैप्चर करने की कोशिश की। तो आप मुझे देख के और इन्जॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। Thank you.
हमारे करेक्टर्स थे स्क्विड गेम्स के, ये फ्री हो गए थे और इन लोगों ने हमारे साथ पिक्चर्स वगैरह ले ली। और एक्चुअली ये हमारे वेटर ही थे जिन्होंने हमें पहले सर्व किया था, वो कहे थे हम कॉस्ट्यूम्स चेंज करके आते हैं। अच्छा जी, तो मैं लेती हूँ यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त और अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आप रियाद में हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए इस कैफ़े को जिसका नाम है चिमनी बिस्ट्रो, और इसकी लोकेशन आपको आराम से गूगल मैप्स पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।